मॉर्निंग 8th क्लास. टुडे वी विल अगेन कंटिन्यू विद द डीजी पार्ट फॉर योर हिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 8. और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसको किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने नए एजुकेशन सिस्टम से रिप्लेस किया था. पहले क्या सिस्टम था? पाठशाला वाला सिस्टम होता था, ठीक है. बच्चे जो है क्या करते थे, गुरुजी के पास जाते थे, ठीक है. कोई फिक्स्ड जो है बिल्डिंग नहीं होती थी, स्कूल नहीं होता था, ना कोई यूनिफॉर्म होती थी. जो गरीब किसानों के, मजदूरों के जो बच्चे होते थे वो क्या है, कुछ सीज़न में जो है पाठशाला में नहीं जाते थे. गरीब बच्चों से फीस नहीं ली जाती थी, अमीर बच्चों को जो है फीस देनी होती थी, ठीक है. राइटिंग में कुछ नहीं होता था, ज़्यादातर जो है वर्बली ही बच्चों को सिखाया जाता था, ठीक है. कोई फिक्स्ड क्लासरूम नहीं होता था, एग्ज़ाम नहीं होते थे, है ना. और जो है कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं था और ना ही कोई उनके अटेंडेंस वगैरह होती थी, वो सब चीज़ें. तो उस सिस्टम को किस तरीके से फिर ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टमैटिक एडुकेशन सिस्टम से उसको रिप्लेस किया, वो हम स्टडी करेंगे. This is the Indian classroom of the 1800s. It was called a pathshala. ठीक है, 1800 में इस तरीके का स्कूल हुआ करता था जिसको हम पाठशाला बोलते थे. Compare the pathshala with your classroom. What differences do you see? क्या क्या डिफरेंसेस लग रहे हैं? पहली चीज़ तो ये है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है. कोई बिल्डिंग नहीं है स्कूल की. आप अपने स्कूल से, अपने क्लासरूम से कंपेयर करो. आप इस तरीके से बैठते हो स्कूल में? नहीं बैठते. आपके लिए डेस्क बेंचेस है. ये लोग क्या है, जो है अपना कैजुअल कपड़ों में बैठे. आप लोग क्या है, यूनिफॉर्म में आते हो, ठीक है. एक प्रॉपर जो है बोर्ड लगा होता है, आपके पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं, बैग होता है अपना, ठीक है. टीचर आपको जो है बोर्ड पे या फिर बुक के थ्रू जो है पढ़ाता है. आपकी प्रॉपर अटेंडेंस होती है, ठीक है. उसके अलावा क्या होता है, एक पूरा सिलेबस होता है जिसको फॉलो करके टीचर जो है आपको पढ़ाते हैं. सबसे पहली चीज क्या है, नो स्कूल बिल्डिंग. द पाठशाला वाज सेट इन अ विलेज एंड वाज मोस्टली आउटडोर्स. इट डिडंट हैव अ सेपरेट बिल्डिंग. ठीक है, तो क्या है, कोई भी प्रॉपर एक स्कूल बिल्डिंग नहीं होती. बच्चे ऐसे कहीं भी ओपन प्लेसेस पे बच्चों को बिठा दिया जाता था. जनरली ओपन प्लेस में बच्चे बैठ के पढ़ते थे, ठीक है. कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है. ब्लैक बोर्ड्स वाज यूज्ड, टीचिंग वाज नॉट रिटन. ठीक है, ब्लैक बोर्ड यूज ही नहीं होते थे. क्यों? क्योंकि रिटन टीचिंग होती ही नहीं थी. सब कुछ जो है वर्बली होता था. No fixed fees. School fees were flexible, depending on the income of parents. Rich parents had to pay more than poor parents. ठीक है, अमीर लोगों के बच्चों को ज़्यादा फीस पे करनी होती थी, as compared to the poor. और कोई fixed fees भी नहीं थी. No classes in certain season. Classes were flexible. For example, classes were not held in the harvest season. When some rural children worked in fields. ठीक है, जब भी हार्वेस्ट सीजन होता था उस समय क्लासेस नहीं होती थी, क्योंकि जो बच्चे होते थे ज्यादातर गरीब मजदूरों के जो बच्चे थे वो खेतों में काम करवाते थे, तो उस समय कोई क्लासेस नहीं होती थी. नो अटेंडेंस. अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स वाज नॉट चेक्ड. द अटेंडेंस सिस्टम वाज फ्लेक्सिबल. अटेंडेंस जो है प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करके या किसी रिटन फॉर्म में नहीं लिया जाता था, ठीक है. कोई अटेंडेंस नहीं थी, यूनिफॉर्म भी नहीं थी. टीचिंग बाय इंडिपेंडेंट गुरुज वाज नॉट यूनिफॉर्म. द गुरुज सेपरेटली टॉट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स. ये क्या यूनिफॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब बता रहे हैं कि हर टीचर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग शिक्षा देता था, ठीक है. कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी एडुकेशन में कि यही चीज़ जो है हर टीचर सिखाएगा या फिर जो है अलग अलग से क्लासेस हैं बच्चों की. कुछ बच्चों का जैसे कोई लेवल हो जाता था तो उनको अलग दे दी जाती थी टीचिंग. अदरवाइज कोई सेट जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टीचिंग में, ठीक है. उसके अलावा नो प्रिंटेड बुक्स.
There were no textbooks. Teaching done by the guru was oral. ठीक है, printed books नहीं होती थी, orally जो है students को teach किया जाता था. Printed books use नहीं होती थी. Exam नहीं थे. There were no final exams. The emphasis in the Pathshala was more on learning than testing students. ठीक है, main जो focus होता था वो बच्चों की learning पे दिया जाता था, ना कि उनकी testing पे. ठीक है, ये माना जाता था कि बच्चों की learning ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, testing की requirement नहीं है, तो कोई भी annual exam इस तरीके से नहीं conduct करा देते. No benches or chairs. There were no benches or chairs. Students sat on the floor, sometimes on mats. फर्श पे या इस तरीके से मैट्स पे बैठ के बच्चे पढ़ते थे. अब ब्रिटिश स्टडी ऑफ पाठशाला सिस्टम. So how did the British discover Pathshalas located in Indian villages? William Adam, a Scottish missionary, conducted a survey of the Pathshalas in Bengal and Bihar. सर्वे कंडक्ट किया था, इन्होंने ढूंढी थी ये पाठशालाएं अलग बिहार और बंगाल की, कि कहां कहां पे अलग अलग पाठशालाएं हैं और उनके बारे में जो है रिसर्च करी थी. Adam found that there were 1 lakh pachshalas in Bengal and Bihar. 1 lakh से भी ज्यादा पाठशालाएं. The total number of students in these pachshalas was more than 20 lakhs. Pachshalas were set up by wealthy people, the local community or a guru. पाठशाला कौन बनाता था? लोकल गुरु होते थे या कोई वहाँ के जो अमीर लोग होते थे वो पाठशाला का जो है निर्माण करवाते थे. Each pachshala had no more than 20 students. किसी भी पाठशाला में 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते थे. टोटल स्टूडेंट बंगाल और बिहार में कितने थे? 20 लाख. और 1 लाख पाठशालाएं थी तो 20 से ज्यादा स्टूडेंट किसी भी पाठशाला में नहीं. The system in the pachshala was flexible and suited to local needs. The system was not bound by rules and regulations. In 1854, the British East India Company used these findings by William Adam to make improvements in the education system. ठीक है, 1854 में क्या करते हैं, जो British East India Company थी, वो जो भी William Adam की जो भी findings थी, जो भी उन्होंने जो research करी थी, research की जो भी findings थी, उसको use किया था. भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको इंप्रूव करने के लिए बेसिस बनाया था उसे. The British wanted to introduce order, impose routines, establish rules and ensure regular inspections in pachshalas. ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करी. क्या-क्या चीजें होंगी? ऑर्डर. Introduce order, impose routines, establish rules and ensure regular inspection. ठीक है, rules बनाए कुछ स्कूलों के लिए और regular inspection को ensure किया. In pachshalas. क्या कह रहे हैं? In 1800s, the Pathshala system which exists even today, in fact, gave all children access to education. There was at least one Pathshala per village. 1800 में क्या होता था? जो Pathshala system था, जो कि आज भी exist करता है कहीं ना कहीं, क्या करता था? In fact, gave all children access to education. इससे क्या होता था? फायदा क्या था इसका? ये हर एक बच्चे को education का जो है access देता था कि हर एक बच्चा जो है शिक्षा प्राप्त कर सकता है. क्योंकि क्या था? बहुत ज़्यादा flexibility थी इस system में. ठीक है? तो हर एक बच्चे को जो है पहुँच मिलती थी शिक्षा की. बच्चे जो है आके यहाँ पे पढ़ सकते थे क्योंकि फीस जो है फिक्स्ड नहीं थी और फ्लेक्सिबल क्लासेस होती थी, सिलेबस फिक्स्ड नहीं था. तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? बच्चों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो इन पाठशाला को अटेंड कर सके. देयर वॉज एट लीस्ट वन पाठशाला पर विलेज. हर गांव में कम से कम एक पाठशाला हुआ करती थी. इस बारे में जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? टू दिस इफेक्ट जवाहरलाल नेहरू सेड, एजुकेशन फॉर द मासेस एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस लॉन्ग व्हाइल इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन ओनली इन 1817. ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि भारत में
जो एजुकेशन है मासेस तक, यानी कि बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाने का जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो बहुत पहले से भारत में है, क्योंकि ये पाठशाला का सिस्टम क्या था बहुत सारे बच्चों को एक्सेस देता था। मासेस का मतलब है काफ़ी संख्या में लोग जो है शिक्षा को प्राप्त कर पाते थे। एजुकेशन फॉर द मासेस एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस लॉन्ग, बहुत पुराने समय से बहुत सारे लोगों को एजुकेशन देना भारत में बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। जबकि व्हाइल इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन ओनली इन 1870, जबकि ब्रिटेन में ये तो सिर्फ 1870 में ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स को एक तरीके से बता रहे हैं कि आप हमारे यहाँ जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में जो है लाने की बात कर रहे हो, जबकि हकीकत में क्या है, आपके यहाँ तो सिर्फ 1870 में ये मासेस को एजुकेशन देने का सिस्टम शुरू हुआ है, हमारे यहाँ तो ये बहुत पहले से चल रहा है। ब्रिटिश चेंजेस इन पाठशाला सिस्टम। अब इन सारे सिस्टम में, ये जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि पहले क्या होता था, इन सब में क्या क्या चेंजेस ब्रिटिशर्स लेके आए वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्कूल बिल्डिंग जो नहीं थी उसके बारे में। The British grouped 4 to 5 पाठशालास इन द विलेज टू फॉर्म अ स्कूल। Some schools aided by the British had a separate building. The government supported those who changed according to their new system of discipline. क्या था? देखो, हर एक गांव की चार या पांच पाठशालाओं को मिला के एक स्कूल बनाया जाता था। कुछ स्कूल जो है ब्रिटिशर्स ने अपने फंड से जो है खोले थे, और क्या करते थे, ऐसे स्कूल को एड देते थे, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे जो कि उनके हिसाब से चलने को तैयार होती थी, ठीक है। तो जो उनके सिस्टम को सपोर्ट करती थी, उनके सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार थी, ऐसे पाठशालाओं को, ऐसे स्कूल को वो फंड्स भी देते थे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड। द ब्लैक बोर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड। टीचर्स कुड आल्सो राइट एंड नॉट ओनली टीच ओरली। ब्लैक बोर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। अब टीचर क्या थी, वो लिख भी सकता था, जो शिक्षक होता था वो लिख भी सकता था, बजाय के सिर्फ और सिर्फ वर्बल टीचिंग देने के, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख कर भी बच्चों को पढ़ा सकता था, ठीक है। नो फिक्स्ड फीस का क्या हुआ? फीस वर फिक्स्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। रिच एंड पुअर पेरेंट्स हैड टू पे द सेम अमाउंट, ठीक है। फिक्स्ड फीस कर दी गई, अमीर और गरीब हर एक को जो है सेम फीस पे करनी होती थी, किसी को भी जो है कंसेशन नहीं दिए जाते थे। नो क्लासेस इन सर्टेन सीजंस, ऐसा था पहले, अब क्या हुआ, रेगुलर क्लासेस हो गए। क्लासेस बिकेम रेगुलर एंड हैपेंड ड्यूरिंग ऑल सीजंस। टीचर्स टू क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ पीरियोडिक टाइम टेबल, ठीक है। अब क्या हो गया, रेगुलर क्लासेस होने लगी और पीरियोडिक टाइम टेबल को फॉलो करके टीचर्स रेगुलर क्लासेस लगाती थी। पहले क्या था, नो अटेंडेंस, अब रेगुलर अटेंडेंस। अ रेगुलर अटेंडेंस वाज इंपोज्ड। द स्टूडेंट्स अटेंडेंस वाज नाउ चेक्ड एवरी डे, ठीक है। अब क्या हो रहा था, रेगुलर अटेंडेंस ली जाती थी और हर एक बच्चे के अटेंडेंस को रेगुलरली चेक किया जाता था। The guru had to teach all students in the class uniformly. Also, the guru was expected to create reports and try to improve standards of teaching. ठीक है, जो गुरुजी होते थे उनको रिपोर्ट भी देनी होती थी कि उन्होंने जो है जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दी है या नहीं, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा इनको देनी होती थी, ठीक है। पहले क्या था, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, अब टेक्स्ट बुक्स वर प्रिंटेड। टीचिंग वाज डन अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज प्रिंटेड इन द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। बुक्स प्रिंट करवाई गई और टीचर को इन बुक्स में जो टेक्स्ट होता था इनके अकॉर्डिंग ही फिर बच्चों को इनको पढ़ाना होता था, ठीक है। नो बेंचेस और चेयर्स, फिक्स्ड सिटिंग कर दी गई। Benches or chairs were brought into the school. Students were given fixed places to sit. ठीक है, बेंच और चेयर लाए गए स्कूलों में और बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है फिक्स्ड सीट दी गई बैठने के लिए, ताकि वो हमेशा जो है डेस्क बेंचेस पे ही स्टडी कर सके। नो एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स से रिप्लेस हुए। लर्निंग वाज नो लॉन्गर जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग।
all stupid. क्या था पहले जो है एग्जाम्स नहीं होते थे, अब रेगुलर इंस्पेक्शंस होती थी, बच्चों के एग्जाम होते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस डिड दे फेस एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश चेंजेस इन एजुकेशन। जो ब्रिटिशर्स चेंज लेके आए एजुकेशन सिस्टम में, उससे जो है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इन लोगों ने फेस किए। दोज हु डिड नॉट वॉन्ट टू चेंज टू दिस सिस्टम, जो इस सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते थे, उनके साथ क्या हुआ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट सपोर्ट और गिव एनी फाइनेंशियल एड टू दोज हु डिडंट वॉन्ट टू चेंज टू दिस सिस्टम। ऐसे जो भी शिक्षक होते थे, जो भी पाठशालाएं होती थी, जो ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिश सरकार का जो स्कूल सिस्टम था उसको फॉलो नहीं करना चाहते थे, उनको कोई भी जो है आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी, कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं दी जाती थी, जो इस सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते थे। दोज़ हु कुड नॉट पे द फिक्स्ड फीस, उनके साथ क्या हुआ। Children of poor parents with a low income could not pay the fees. Many of these dropped out of school. क्योंकि क्या करा ब्रिटिशर्स ने, फिक्स्ड फीस कर दी थी सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो गरीब बच्चे होते थे, गरीब पेरेंट्स के जो बच्चे होते थे, वो जिनके पास कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती थी या लो इनकम होती थी, फीस जो है पे नहीं कर पाते थे, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने फिर ड्रॉप आउट कर लिया, ड्रॉप आउट हो गए, स्कूल से निकल गए। Those who could not attend regularly, खेतों में ऐसे काम करवाने हेल्प करते थे अपने पेरेंट्स की, या रेगुलरली क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते थे। Children who worked in rural farms could not attend classes in the harvest season. They were not allowed to enter back into the schools because they didn't follow the attendance rules. जो बच्चे हार्वेस्ट सीजन में अपने पेरेंट्स की हेल्प कराने के लिए फील्ड्स में काम करते थे, उनको वापस से स्कूल में नहीं आने दिया जाता था, क्योंकि जो अटेंडेंस रूल था उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। इंडिपेंडेंट गुरुज हु फेस्ड कॉम्पिटिशन, इनके साथ क्या हुआ। इंडिपेंडेंट गुरुज कुड नो लॉन्गर टीच बिकॉज दे फेस्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू डिसिप्लिन स्कूल्स दैट द ब्रिटिश हैड सेट अप। इंडिपेंडेंट जो गुरुज थे, अब ये लोग जो है पढ़ाए नहीं सकते थे बच्चों को, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता था। जो नया एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे जो है डिसिप्लिन स्कूल्स आ गए थे, जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किए थे उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।